योर हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है। ये पांच सब्जियां आपकी किडनी को बिल्कुल हेल्दी बना के रखेंगी। आज हम ऐसी ही पांच सब्जियों के बारे में बता रहे हैं, आइए जान लेते हैं जो कि आपकी किडनी को बिल्कुल हेल्दी रखेंगी। अपनी डाइट में इनको जरूर शामिल करें आप। हमारी सेहत कैसी रहेगी यह हमारे खान पान पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी किडनी पर सिर्फ हमारी डाइट का ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा लिए गए तरल पदार्थों का भी प्रभाव होता है। यदि किसी भी कारण हम दूषित जल का सेवन कर लेते हैं या दूषित भोजन खा लेते हैं तो हमारी किडनी बुरी तरह प्रभावित होती है। आज हम आपको पांच ऐसी ही खास सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं। पार्सले के फायदे। दिखने में हरी धनिया की पत्ती जैसा दिखता है। आमतौर पर पार्सले का उपयोग फूड को गार्निश करने के लिए किया जाता है। पार्सले अपने औषधीय गुणों के कारण बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। इसमें एपियोल और मिरिस्टिसिन होते हैं जो किडनी स्टोन से हमें बचाते हैं, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा है सेलेरी की जड़। सेलेरी की जड़। हमारी किडनी तभी सेहतमंद रह पाती है जब हमारे शरीर में पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस बना रहता है। सेलेरी में ये दोनों ही तत्व संतुलित मात्रा में होती हैं। इसकी जड़ में लिक्विड कंटेंट होता है जो यूरिन की मात्रा बढ़ाकर किडनी को क्लीन करने का काम करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार यह यूटीआई और किडनी इन्फेक्शन से बचाती है। अगला है अदरक। अगर आप चाहते हैं कि किडनी जीवन भर स्वस्थ बनी रहे तो सबसे पहले शुगर का सेवन कम कर दें, क्योंकि यह किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अदरक में जिंजरॉल होता है जो ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। रोज के खाने में अदरक का सेवन करने से डायबिटीज होने का खतरा बेहद कम हो जाता है। हल्दी का सेवन। हल्दी अपने कलर और फ्लेवर दोनों ही कारण भोजन को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम होते हैं जो और करक्यूमिन नाम का एक यौगिक तत्व होता है जो शरीर में किसी प्रकार की सूजन या दर्द को नहीं बढ़ने देता और किडनी की बीमारी के कारणों को पनपने से रोकता है। आइए अगला जानते हैं। एक तरफ जहां हल्दी अपनी खूबियों के कारण हमें किडनी या गुर्दे की बीमारी से बचाती है, वहीं अगर किसी को यह बीमारी हो चुकी हो तो हल्दी का सेवन बेहद कम करने या न करने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम काफ़ी हाई होता है जिसे बैलेंस करने के लिए किडनी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर किसी को किडनी या गुर्दे की बीमारी है तो वह हल्दी का सेवन कम करें। अगर नहीं है तो इसका सेवन थोड़ा थोड़ा मात्रा में करना चाहिए ताकि वह बैलेंस बनी रहे। आइए जानते हैं अगला, लहसुन। लहसुन के बारे में तो पुरानी कहावत ही है, इसमें अगर एक गुण और होता तो अमृत बन जाता। खैर, हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि लहसुन में एसिलिन नामक इंग्रेडिएंट होता है जो कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फ्लाइमेंट्री मेडिसिन के रूप में काम आता है। अपने औषधीय गुण के कारण लहसुन हमारी किडनी को हार्मफुल टॉक्सिन्स फिल्टर करने में मदद करता है ताकि किडनी के साथ ही पूरी बॉडी फिट बनी रहे। यह यूरिन की मात्रा बढ़ाकर बॉडी में सोडियम की मात्रा को मेंटेन रखता है। इस प्रकार से हमारी किडनी सेहतमंद रहती है, इसलिए हमें अपने खाने में लहसुन, अदरक, हल्दी और सेलेरी की जड़, यह सभी और पार्सले, इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि हमारी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे और कोई भी उसमें विकार ना पाए। तो हमें उम्मीद है कि आज की यह हेल्थ जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की हेल्थ जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।